मतलब ब्रदर। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हम पेमेंट गेटवे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों पहले मैं आपको बता दूँ पेमेंट गेटवे किस लिए क्रिएट किया जाता है। दोस्तों कभी भी हमको अगर पेमेंट रिसीव करनी है सामने वाले पार्टी से, बहुत ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा हमारे जो देने वाले हैं हमको पैसे अगर बहुत ज़्यादा हो, अगर एक हुआ तो सिंपल ट्रांजेक्शन हो सकती है, बैंक अकाउंट या किसी से भी कर सकते हो। बट अगर सामने वाले बहुत सारे कस्टमर हैं और आपको उनसे पेमेंट लेनी है तो उसके लिए पेमेंट गेटवे बनाया जाता है। दोस्तों पेमेंट गेटवे कैसे बनाना है मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों हम पेमेंट गेटवे बनाएंगे रेजोर पे की वेबसाइट से। रेजोर पे एक मीडियम है जिससे हम पेमेंट गेटवे बनाएंगे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है नीचे। आप वहाँ पे क्लिक करके आप रेजोर पे में साइन इन कर सकते हैं और वहाँ से अपना पेमेंट गेटवे बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं बताता हूँ कैसे करना है। पहले रेजोर पे के अंदर जाना है आपने, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। वहाँ पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे अगर आप लिंक का इस्तेमाल करके रेजोर पे भी जाएंगे। डायरेक्ट भी जा सकते हैं बट उसमें काफ़ी बेनिफिट्स हैं क्योंकि वो मेरा रेफरेंस है, ठीक है। और इस तरीके से आप यहाँ पे साइन इन करेंगे रेजोर पे के डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो उसके अंदर अब मैं आपको ये चीज़ें दिखाने वाला हूँ, ठीक है, कि हम कैसे उस चीज़ को करेंगे। अभी देखो बहुत सारे ऑप्शन हैं, पेमेंट लिंक्स भेज सकता हूँ मैं लिंक के द्वारा, सिर्फ मुझे एक लिंक भेजना है SMS या किसी भी टाइप, ठीक है ना। या मैं पेमेंट को पेज बनाऊँ, समझ रहे हो, मैं पेमेंट के लिए क्या बनाऊँ, एक पेज बनाऊँ। और जो तीसरा प्रोडक्ट है पेमेंट बटन, अगर मैं किसी भी वेबसाइट के अंदर एक जहाँ पे बाय नाउ लिखा होता है वहाँ पे क्लिक करो तो वहाँ पे सीधा पेमेंट हो जाती है। मेरे पे तीन ऑप्शन है पहले, ठीक है ना। तो मैं पहले पेमेंट पे दिखाऊंगा, ठीक है, किस तरीके से बनता है। ये मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा पेमेंट पे, ये देख, यहाँ पे मैं एडिट करता हूँ, ठीक है। एडिट के अंदर आपको पता लग जाएगा कैसे बनाना है। यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स डालनी है आपने, ठीक है ना, अपने फ़ोन नंबर डालना है और जितने प्राइस आप लेना चाहते हो उसको कुछ और इनपुट डालना है तो यहाँ से डाल सकते हैं आप। फ़ोन नंबर, सामने वाले का फ़ोन नंबर चाहिए, ईमेल आईडी, हमको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है ना सामने वाले से जब भी हम उससे पैसे लेते हैं। हाँ, इस तरीके से आप उसे ऐड करके और यहाँ पर क्लिक करेगा बंदा पेज में और आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे पेमेंट पेज का ऑप्शन है, आप पेमेंट वो कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसको देखो मैं कैसे भेज सकता हूँ, यहाँ पे रिसीट भी, पेमेंट रिसीट जैसे जनरेट होगी ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, जैसे ही पेमेंट करेगा उसके तुरंत बाद ऑटोमेटिक ही एक रिसीट उसको जनरेट हो जाएगी, जो कि बहुत बढ़िया है और ऐसे ही करना चाहिए, इसमें तो किसी को भी परेशानी ना हो, ठीक है ना। तो हम इसका इस्तेमाल कर भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से पेमेंट पेज बनाएंगे और इस तरीके से भी हम कर सकते हैं इसको। और यहाँ पे लिंक है, यहाँ पे लिंक तो सिंपल आपने गूगल पे से भी ट्रांसफ़र करी होंगे या फोन पे से भी, इससे भी, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे देखेंगे, ठीक है ना। पहले हम क्रिएटर लिंक पे जाएंगे। अब यहाँ पे तू है, एक UPI है, अगर आपको UPI पेमेंट कलेक्ट करनी है तो आपको UPI लिंक बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। हम लेकिन डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड पेमेंट लिंक। यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, जो भी कस्टमर का डिटेल्स है उसकी नोटिफाई, ठीक है ना, रेफरेंस आईडी यही है, ठीक है। अगर एक्सपायरी डेट डालनी है कि पेमेंट लिंक कब तक एक्सपायर हो जाए तो यहाँ पे क्लिक कर दो, और अगर डेट डालनी है तो यहाँ पे क्लिक कर दो, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ, फिर यहाँ पे क्लिक करना है ऐड क्रिएट पेमेंट पे, आपकी पेमेंट लिंक जनरेट हो जाएगा। उस लिंक को आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सअप, मैसेज, किसी भी मीडियम से। जो लास्ट इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो ये है दोस्तों, ये कोड दिख रहा है आपको, इस कोड को आपने अपनी वेबसाइट में एम्बेड करना है, ठीक है ना। एम्बेड का मतलब होता है कि वहाँ पे HTML आएगा, इस कोड को आपने अपने HTML में पेस्ट करना है वेबसाइट की, एंड वहाँ पे आपको एक पेमेंट लिंक दिख जाएगा दोस्तों, और उस पेमेंट लिंक होगा रेजोर पे का।
आप वहाँ पे जाके इस बटन को ऐड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे आपको अपनी API की इसमें डालनी पड़ेगी, हर वेबसाइट की API की होती है, ठीक है। यहाँ पे आप लिंक डाल सकते हैं और उसकी डिटेल यहाँ पे ऐड हो जाएगी। पहले आपको डिटेल यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी वेबसाइट की, ठीक है। देन आप उसके बाद इस पेमेंट बटन का इस्तेमाल करके, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, इस पेमेंट बटन का लिंक वहाँ पे एम्बेडेड करना है HTML के अंदर, तो आपका पेमेंट बटन वहाँ पे जनरेट हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है ना। इसके द्वारा आप बहुत आसानी से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं सामने वाली पार्टी से, अपने कस्टमर से।